हूं आप दोनों के लिए खूब भले फूले आपके बच्चे खूब पढ़े और मुझे बहुत पसंद आया आपका ये जो भी आपने किया है तो मेरी तो हाँ हो ही गई फिर लक्ष्मी के चेहरे पर आई कामयाबी की मुस्कान और बाकी कलाकार भी जुटे हैं कामयाबी की तैयारी में। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट को ही देख लीजिए। मेरा नाम तुषार अर्जुन है और मैं आसाम से आया। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। मुझे हिंदी गाना गाने का बहुत शौक है तो मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। बॉलीवुड में एंट्री मिलने के लिए मैं आज इंडियाज गॉट टैलेंट में ट्राई किया है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुषार अर्जुन। मैं गुवाहाटी से हूँ। और आप क्या करने वाले? मैं एक सिंगर हूँ और मैं एक सिंपल सा एक ट्रैक मैंने प्रिपेयर किया है जिसमें मैं असमिस फोक को मैंने पंच किया है। अब आप सीखे हुए हैं? हाँ जी। कितना सीखा है? मैंने 3 साल सीखा हुआ है। 4 साल स्ट्रगल में गुजार दिया। थोड़ा गाने से आउट हो गया था फोकस, लेकिन अभी मैं रियलाइज किया इसलिए फिर से मैं सारे गामा पा धनी सा कर रहा हूँ। चलिए सुनाइए। ओके थैंक यू। पल को तू नजर झुका झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी तेरे कदमों के है दिशा। तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा। জানে বুলি মাতিব জানো 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 তুষার অর্জুন Yes ma'am অসমীয়া গানা হি গায়া করো। आवाज आपकी अच्छी है बहुत खुलकर गाते हो ये बात मुझे बहुत पसंद है। पहले गाने में आपका सुर गया 2-3 दफा ये आप भी जानते हैं। हाँ। इसीलिए शायद धर्म जी ने बजर भी बजा दिया। हाँ जी। लेकिन जब आपने अपना असमीज गाया इसमें तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और सबका मन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बदला जरूर है कि आपको शायद चांस देना चाहिए। अब पूछते हैं इनसे आपको क्या लगा सुना लीजिए। तुषार क्या किया जाए तुम्हारे साथ आपकी आवाज अच्छी है लेकिन आप सुर से बहुत घूम घाम के फिर आते हो वापस। मैम इतने बड़े हस्तियों के सामने जब कोई पहली बार छोटे छोटे बच्चे आए और इतनी बड़ी हस्तियों के सामने इतना अच्छा गा गए। बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है जिंदगी ने उन्हें ठोकरें नहीं मारी होती शायद राइट। तुषार इट्स ओके होता है। मैम बीच में आपने क्यों गाना छोड़ दिया था?
मैम, मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ किया है और सबसे बड़ी सदमा मुझे तब लगा जब मुझे जो मॉरल सपोर्ट देता था मेरा जो भाई है उसको टेररिस्ट अटैक में वो मारा गया। मैं थोड़ा फकीरी टाइप का लड़का हूँ, ऊट पटांग कपड़ा पहनता हूँ और हमेशा अलग दिखने की कोशिश करता हूँ, घूमता रहता हूँ बिंदास, मुझे किसी के डर उर कहीं नहीं लगता है। लेकिन हाँ, वो भैया जाने के बाद मैं बहुत बहुत तकलीफ हूँ मुझे, और वो भी मेरा अकेला भैया था और एक साल की एक बच्ची है और नई नई शादी हुई थी, तो मेरे भाभी ने आज तक मेरे सूरत नहीं देखा, उनके शादी में भी मैं जा नहीं सका था, मैं मुंबई में घूम रहा था। तो संगीत ऐसा एक चीज़ है, जब पेट खाली होता है तो संगीत नहीं होता है। एक्चुअली ये बात नहीं है, सबसे ज़्यादा दुख इंसान को खुद की जो की हुई गलतियाँ होती हैं ना, यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट, सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि मुंबई में आकर भी इंसान भटक जाता है। yes, ma'am. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर पाता, और जब कोई दुखती रग पे हाथ रख दे तब वो सच्चाई लगता है मैं वेस्ट कर रहा था अपना टाइम। खैर कोई बात नहीं, धर्म जी इसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, एक डाके दो लगा दूं इसको, भाभी को नहीं देखने गया बॉम्बे में। मैं जब एक्टर बनने आया था मुझे वापस जाना पड़ा था, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था मुझे, जब इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता वो कुछ नहीं बन पाता। आपके तो ही आपके भाई गुजर गया, उसके लिए आपके पास जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए आपके बगैर वो परिवार कैसे रह रहा होगा। ये सारी चीज़ें आप क्यों निगलेक्ट कर देते हो बच्चे, आप छोटे हो मुझसे। हाँ जी, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन तूने मेरे दिल को हिलाया थोड़ा, निर्णय ले लेते हैं। आपको आपकी गलतियों का एहसास है ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का, मेरी तरफ से हाँ। थैंक यू मैम। देखते हैं इस हाँ का आप क्या करते हैं। धर्म जी हाँ या ना? देखता हूँ आप में कितना दम है, मैं भी आपको हाँ बोलता हूँ। झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का दान। आपको दो हाँ मिल गई हैं, आप आगे चले गए हैं इस उम्मीद में कि आप ये सारी बातें बिल्कुल भुला के अपना ध्यान सिर्फ अपनी आवाज और अगली परफॉर्मेंस पर लगाकर हमें सरप्राइज कर देंगे। मैं भी आपके लिए हाँ बोलती हूँ। अच्छा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट लेवल तक जा रहा हूँ। धर्मपाजी ने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ गलती होगा तो मैं आके मारूंगा, तो मुझे उन लोगों के आंखों में खरा उतरना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहता। जितना रंग बिरंगा होता उतना ही रंग बिरंगा है यह जयपुर, और आज हम मौजूद हैं इसी रंगीन शहर में। इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट। रेगिस्तान से रेत मांगो तो कितनी मिलेगी? बहुत ज्यादा।
राजपूतों से वीरता मांगो तो कितनी मिलेगी? उसी तरह जब हमने जयपुर से हुनर मांगा तो पता है कितना टैलेंट मिला? मेरा नंबर कब आएगा? हमारा ग्रुप का नाम है आर भारत ब्रास बैंड। हम पूरे राज्य इंडिया में बैंड हो जाए। हमारे बच्चे हैं वो क्लासिकल ज्यादा महत्व देते हैं। हम लोग दादा प्रदा ये कहते हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, अब पोता पोती भी इसी लाइन में चल रहे हैं। 50 लोग रहते हैं, जॉइंट ए की फैमिली है हमारी, और बाहर के लोग कोई नहीं आते हैं, हमारे घर घर के लोग रहते हैं। इंडिया टैलेंट हम जीत के आए, और भी हमारे में हुनर बढ़ेगा, आगे जाके और कुछ अच्छा कर सके। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपके ग्रुप का? आर भारत ब्रास बैंड। और आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। ये आपका खानदानी? खानदानी हमारा। बहुत अच्छी बात है, सुनाइए। थैंक यू। पहले कि कोई कुछ भी कहे, मुझे एक बात कहनी है। आपको देख के, आपको सुन के पहले सीजन की यादें ताजा हो गई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो जो यादें हैं उसमें एक बात थी जो आज वहां पे मिसिंग है। उस सीजन में एक ब्रास बैंड जो आया था, शादी बैंड जो आया था, उनके साथ में हमारी किरण जी जो नाची थी, वो आज मिसिंग है यहाँ। हम किरण जी बजाएंगे स्टेज पर, स्टेज कॉमन। क्या बजाएंगे आप? गोरे गोरे। अच्छा, लो गोरे गोरे बजा दो। वेरी गुड। We'll be right back.
बहुत अच्छा लगा जहाँ हमारी किरण जी नाच उठी और पूरा बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू आमिर और आपका भारत ब्रास बैंड। राजस्थान की अमीर धरती से जिसमें कूट कूट कर कला भरी है, जब कोई आता है तो मेरा दिल इतना खुश होता है मैं आपको क्या बताऊं। और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा बजाया और ये खानदानी परंपरा आप जीवित रखे हुए हैं, बहुत गर्व है इस बात का। वेरी गुड, थैंक यू, एक्सेलेंट। आमिर बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, और आपने जो समा बांधा और किरण जी को भी खुश किया, उनके साथ हम भी खुश हो गए, मजा आ गया। अब हम आपके लिए वोट ले लेते हैं, धर्म जी हाँ या ना? मुकम्मल हाँ है मेरे। सोनाली हाँ और हाँ और हाँ। आमिर और आप सब लोग, मेरी तरफ से भी बहुत इज्जत भरी हाँ, थैंक यू। गोट जो चैलेंज जो प्रोग्राम चल रहा है, ये इसमें हमारी यही उम्मीद है सभी की, आगे बढ़ते रहेंगे और बालिक ने चाह तो नंबर वन के रह के जाएंगे। क्यों भाइयों, मजा आ गया आज तो। हमारी फिल्मों में जिस तरह कॉमेडी एक्शन ड्रामा होता है, उसी तरह का कॉम्बिनेशन आज जयपुर के ऑडिशंस में देखने को मिला पुष्पा। ओहो, तो ये बात है। तुझे मालूम है बेटा कि फिल्मों में एक चीज और होती है। वो क्या बाबू मोशाय? हीरो के हाथों विलन की पिटाई। दीदी तो इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर अभी आपसे लूंगा विदा। गुड नाइट एंड गुड बाय।